सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ब्लूटूथ ईयरबड्स का, जिनका नाम है i12 TWS, जो कि ये है मेरे सामने, आप सभी देख सकते हो i12 TWS देख सकते हो आप सभी। ये है वो ईयरबड्स जो कि ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, जिनका नाम है i12 TWS। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इसी प्रोडक्ट की, और साथ ही में मैं बताऊंगा इसकी प्राइसिंग, और साथ ही में बताऊंगा कि ये क्या हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं i12 TWS के फिजिकल ओवरव्यू से, यानी कि बॉक्स के ओवरव्यू से। तो शुरुआत करते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है i12 की ब्रांडिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है TWS, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो i12, और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ऑटो पावर ऑन ऑटो पेयरिंग 5.0, यानी कि ब्लूटूथ 5.0 है इसके अंदर। अगर हम अंदर इसके मैनुअल के अंदर देखते हैं, और अगर देखते हैं साइड ओवरव्यू हम इसी बॉक्स का, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ऑटो पावर ऑन ऑटो पेयरिंग टच यूजिंग सीरी ओपन द लिप एंड कनेक्ट ऑटोमेटिकली। यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाती है और दोनों तरफ यही मेंशन है। और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं इसी बॉक्स को, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नेम देखने को मिल जाता है जो कि दिया हुआ है वायरलेस ईयरफोन्स। यहाँ पे हमें वर्जन देखने को मिल जाता है 5.0 प्लस ERD/BLE। यहाँ पे हमें इनपुट देखने को मिल जाता है, उसके बाद हमें टॉक टाइम भी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर मेंशन है 1.5 to 2 hours। साथ ही में यहाँ पे चार्जिंग टाइम 40 मिनट्स मेंशन है। साथ ही में जो अवेलेबल कलर्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि किन किन कलर के अंदर अवेलेबल है। साथ ही में ये मेड इन चाइना है, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर लाइटनिंग केबल मेंशन है, साथ ही में यहाँ पर दिखाए हुए हैं हमारे यही i12 TWS जो कि एप्पल के एयरपॉड्स की बिल्कुल कॉपी है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसी को। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। यहाँ पे हमें सामने की तरफ देखने को मिल जाते हैं यही i12 TWS, तो इसको भी हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट। तो इसको हटाने के बाद हमें पता लगता है कि नीचे की तरफ हमें इसके अंदर देखने को मिलती है एक i12 मैनुअल जो कि आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है इस साइड में, और यहाँ पर हमें चाइनीज़ के अंदर देखने को मिल जाती है यही यूज़र मैनुअल जो कि है इसी i12 की। साथ ही में यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स भी इसी के अंदर मेंशन है, और साथ ही में कुछ डू और डोंट्स भी दे रखे हैं, यानी कि वार्निंग्स भी दे रखी है यहीं पर। और साथ ही में कुछ समरी है इसी i12 TWS की। यहाँ पर हमें स्पेक्स देखने को मिल जाती है इसी यूज़र मैनुअल के अंदर जो कि आप देख सकते हो। और इसको रख देते हैं साइड में i12 की मैनुअल को। साथ ही में बात करते हैं बॉक्स के अंदर आने वाले और कंटेंट की, तो यहाँ पर हमें एक USB केबल देखने को मिल जाती है जो कि लाइटनिंग केबल नहीं है, एक USB केबल आप देख सकते हो। ये एक USB टाइप B केबल है जो कि आप सभी देख सकते हो, ये एक लाइटनिंग केबल नहीं है। कई सारे के अंदर हमें लाइटनिंग केबल भी देखने को मिल जाती है, यानी कि इन्हीं i12 के अंदर हमें लाइटनिंग केबल भी देखने को मिलती है। अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिलता है यही i12, और साथ ही में आप देख भी पाते हो कि इसके अंदर हमें लाइटनिंग मिलती है या फिर USB मिलती है A या B टाइप। तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप रख सकते हो। साथ ही में इसको भी हम रख देते हैं साइड में, और फोकस करते हैं हम अपने मेन डिवाइस पर जो कि है यही i12 TWS। तो आप सभी देख सकते हो ये वाइट कलर के अंदर है, और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि i7, 7S साथ ही में i11 का हमें साइज़ काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। और उसके बाद i12 के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल ही छोटा सा साइज है, आप सभी देख सकते हो, ये उंगली से भी काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा साइज है आप देख सकते हो इसी i12 TWS का। और इसके अंदर हमें जो ये लिप देखने को मिलती है ये मैग्नेटिक लिप है, और ये काफ़ी अच्छी है। इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है, आप सभी सुन सकते हो। और इस प्राइसिंग पर बहुत कम ईयरफोन्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें ये मैग्नेटिक केस देखने को मिलता है। साथ ही में पीछे की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो पीछे की तरफ जो हमारे केस के अंदर रखे हुए ईयरफोन्स हैं जो कि ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, वो चार्ज होने शुरू हो जाएंगे।
ये यहाँ पर ब्लू कलर की हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। साथ ही में जब बैटरी लो होती है तो ये रेड कलर की हो जाती है, इसको भी हम कर देते हैं ऑफ। यहाँ पे हमें यही पोर्ट देखने को मिलता है, USB टाइप बी पोर्ट, जिससे कि आप इजीली चार्ज कर सकते हो। उसी USB केबल को कनेक्ट करके अपने अडेप्टर के साथ में, यानी कि यहाँ इसे कनेक्ट करने के बाद आप इजीली चार्ज कर पाओगे इन्हीं को। और जैसे ही ये दोनों हम चार्ज लगाते हैं, चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ और यहाँ दोनों के अंदर ही रेड कलर की लाइट देखने को मिलती है। और जैसे ही इन दोनों में से कोई भी एक फुली चार्ज हो जाता है, उसकी लाइट यहाँ से ऑफ हो जाती है, साथ ही में दूसरे की लाइट जल रही होती है, और उसके बाद यहाँ पे हमें लाइट ब्लिंक करने को मिलती है, जिससे कि इसकी चार्जिंग केस चार्ज होता रहता है। साथ ही में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से भी हम इजीली चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही केस के अंदर चार्जिंग होती है, हम इसको ऑन करके चार्ज कर देते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों के अंदर ही हमें रेड कलर की लाइट देखने को मिल रही है, यानी कि ये दोनों ही फिलहाल चार्ज हो रहे हैं। और अगर ये दोनों फुली चार्ज हैं तो इनके अंदर हमें किसी भी तरह की कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको हम दोबारा से ऑफ कर देते हैं। तो इनको हम देखते हैं, आप देख सकते हो ये ईयरबड्स हैं। मैं जैसे ही इनको निकालता हूँ तो यहाँ पे हमें लाइट देखने को मिलती है ब्लू और रेड कलर की। ऐसे ही हम दूसरे को भी इजीली निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है और दिखने में काफ़ी प्रीमियम है, और दूर से इसको देखने के बाद कोई नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल ईयरपोड्स हैं या फिर डुप्लीकेट। और इसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर हमें कुछ गेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा शीरी ओपन हो जाएगा, अगर आप इसे आईफोन के अंदर यूज़ करते हो। मैंने आईफोन के अंदर ही यूज़ किया था तो मैं एंड्रॉयड के बारे में बता नहीं सकता। अगर एंड्रॉयड में शायद से आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो सकता है, या फिर जो भी असिस्टेंट आपके फ़ोन के अंदर काम करता है वो ऑन हो सकता है। साथ ही में अगर हम इस पर 5 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, और ऐसे ही हम स्विच ऑन कर सकते हैं। साथ ही में सिंगल टैप से अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो उसे प्ले पॉज कर सकते हो। साथ ही में अगर आपकी कॉल आ रही है तो उसको भी आप डबल टैप से आंसर कर सकते हो और सिंगल टैप से कैंसिल कर सकते हो। और इन्हीं ईयरबड्स के अंदर हमें माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है नीचे की तरफ, जिससे कि हम इजीली कॉल अटेंड कर सकते हैं। जब आपका स्मार्टफोन आपकी पॉकेट के अंदर हो तब भी इजीली आप कॉल अटेंड कर सकते हो। साथ ही में जब हम इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद ये आपके स्मार्टफोन के अंदर बैटरी शो करता है कि आपकी बॉक्स के अंदर, यानी कि इसके केस के अंदर कितनी बैटरी है, कितने परसेंट बैटरी है। साथ ही में लेफ्ट और राइट दोनों ईयरबड्स के अंदर भी कितनी कितनी बैटरी है आप इजीली देख सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर। और इसके लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है अगर हम साइज़ की बात करते हैं, साथ ही में ये दिखने में भी काफ़ी ठीक ठाक है। और अगर बात करते हैं हम इसके ऑनलाइन प्राइस की, तो ये ऑनलाइन हमें 650 रुपये के आसपास देखने को मिलता है आज की डेट में, जो कि i12 TWS ईयरबड्स हैं, यानी कि ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स हैं। साथ ही में अगर आप इनको ऑफलाइन लेने जाओगे तो ये आपको ईजिली 400 से 500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करते हैं मिनी i12 TWS के बैटरी बैकअप की, तो सिंगल चार्ज के बाद, यानी कि फुल चार्ज के बाद, अगर आप एक ही कान के अंदर एक ईयरबड को यूज़ करते हो तो ये आपको आराम से 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। साथ ही में दोबारा से आप इस केस के अंदर भी चार्ज कर पाओगे, यानी कि ये आराम से 2 से 2.5 घंटे चल सकता है फुल चार्ज के बाद। अगर हम सिर्फ इसको ही यूज़ करते हैं तो ये 2 से 2.5 घंटे चल सकता है, साथ ही में 2 से 2.5 घंटे ये भी चल जाएगा। और उसके बाद दोबारा से हम यहाँ से ऑन करके केस के अंदर इसको डाल के चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं इन दोनों के ही एक साथ यूज़ की, अगर हम दोनों को ही एक साथ अपने ईयर्स के अंदर यूज़ करते हैं तो ये आराम से आपको 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। साथ ही में अगर आप सिंगल सिंगल करके यूज़ करने वाले हो इन दोनों को ही, साथ ही में आप चार्ज भी करने वाले हो बीच बीच में इनको, जैसे कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये चार्ज हो रहा है, और इसको यूज़ कर रहे हो तो ये चार्ज हो रहा है इसके केस के अंदर ही, तो ये आराम से आपको 5 से 6 घंटे तक बैटरी बैकअप दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ।